मैं बताऊं सीन क्या है। असल में हमारे जो इंडियंस भाई थे ना, बोल रहे थे तुम हार जाओगे, 200 पे हो जाएगा। पहले ही बोलते जब 400 रन बना। हाँ भाई पाकिस्तानी, अभी वीडियो नहीं आ रही तुम्हारी, और वीडियो आई तो ऐसी आई कि सब जो है झलने लग गए भाई। यार वीडियो नहीं देख रहे आप लोग हमारी, पकड़ के छक्के तो याद होंगे मेरे ख्याल से, आप लोगों के घरों में गिर रहे होंगे। पूरी इंडियन टीम जितने मिलके छक्के मारती है, इतना हमारा खाला एक अकेला फखरो मारता है। न्यूजीलैंड के साथ बोलो भाई यार मैं बोलना चाहूंगा, आज फखर जमान बहुत अच्छा खेला और साथ में बाबर आजम भी बहुत अच्छा खेला। इंडियंस भाई के साथ अब्दुल्ला शफीक थे, सलमान भाई का डायलॉग जलेगी भाई। मैंने भैया हम जा रहे हैं इंशाल्लाह सेमीफाइनल में। सुबह अहमद भाई ने पोस्ट भी की थी कि हम लोग ये मैच जीत के सेमीफाइनल में आने वाले, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था 400 बन गया था। लेकिन उस पर लोगों ने हंसी वाले रिएक्ट किए, बोला क्या डाल दिया तूने, इससे बोला देख जानी अभी तू सिर्फ देख। ये जो 25 ओवर में 200 रन थे ना, ये अभी तक किसी टीम ने भी नहीं बना सकते। बिल्कुल ऐसा बना यार, मतलब इतना फास्ट। अगर हम लोग टारगेट देने आ रहे हो तो मतलब हम तो 450 हम लोग तो रिकॉर्ड। यार मैं ये सोच रहा हूँ इस टाइम पे बेचारे इरफान भाई का क्या हाल होगा। इरफान भाई के लिए 1 मिनट की खामोश। इरफान भाई के लिए यार, इरफान भाई बेचारे बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम तो अपनी शादी में नाच रहे ना। वो तो अफगानिस्तान की शादी में नाच चाहिए ऐसा लग रहा था। वो बेगानी शादी में जब अब्दुल्ला दीवान होता ना, प्लेट में बिरयानी हमारे 2 बोटियां ज्यादा था। इस वाली वीडियो में कमेंट आएंगे तुम लोग बारिश की वजह जीत गए, आपने बैटिंग देखी। मेरे भाई परफॉर्म किया पूरी टीम, करो अभी फखर ने पूरी बैटिंग नहीं की। वर्ल्ड कप में पहली बार कोई बंदा 200 मार देता है। और फखर ने मारा भी है, फखर ने पहले मारा भी है 200 भाई। जो भी है भाई, खुशी में पाकिस्तानी फैन झूम रहे हैं। इंडिया वाले बेचारे परेशान है हमारी जीत पे, क्योंकि वो तो चाह ही रहे थे पाकिस्तान बाहर हो। काफी हमारे पास कॉल्स भी आ रही थी कि भाई हम खुद चाहते हैं इंडिया मतलब पाकिस्तान जाए भाई सेमीफाइनल में जाए। कम थे लेकिन भाई जिस तरीके से इनके शोज जो हम लोग फॉलो करते हैं काफी, ये देखे थे कि एक मिनट रुको, तो क्रिक स्पोर्ट के नाम से वो बारे में बता रहा। 400 रन भाई बंदे का तब पता चलता कि अच्छे वक्त में आपके साथ या बुरे वक्त में। 400 रन पड़ा लॉन्टी कैप्टन। अबे भाई तुम किस बात के लॉन्टी कैप्टन बोल रहे हो भाई, इतना हाँ इतना अच्छा शो बना लिया लेकिन जबान नहीं सीखी। उन भाई का नाम है शोशान मीठा। मेरी बात सुनो भाई, भाई देखो आदत ही मीठे वाली है भाई। जब इतना पैसा, जब इतना पैसा लगा लिया है शो पर भी, तो यार अपने मुंह और अपने लहजे पर भी लगा लो। इतना पैसे कर लो एक क्या बारह भाई कहने की बात है भाई। अच्छे वक्त में तो खुसरे भी आ जाते हैं, बुरे वक्त में देखा जाता है। और अच्छे वक्त में आपको पता है कौन से खुचरे नाचे थे। बाकी जिसको अच्छा लगे जिसको बुरा लगे, आई डोंट केयर। हमने ये न्यूजीलैंड से मैच जीत के हम लोग क्या फाइनल सेमीफाइनल जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। टिकट मिल गया, फाइनल नजर आ रहा है, पता नहीं क्यों भाई। इंग्लैंड वाला मैच क्या क्या चालू होगा भाई। एक चीज और, वो जो सुशांत मीठा जो आपने नाम रखा है, सुशांत मीठा नाम रखा है इन्होंने भाई। आपने कहा कि यार ये जो तुम लोग इतना उछलते हो ना मैच जीतने के बाद, ये वो भाई, आपकी तरह हम सीधा सीधा नहीं आ रहे, हम आ रहे हैं आप लोगों की ऑडियंस को एंजॉय कराते हुए ताकि मैच दिखे। सही है। दूसरी चीज ये आपने क्या बोलता है, सेमीफाइनल में गलती से भी यहाँ नहीं जाना। मेरा ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी भूल गए, भूल गए भाई। हम पहला मैच हारते हैं लेकिन दूसरा मैच ऐसा देते ना कि फिर पूरी इंडियन टीम रो रही है। ये कुदरत का निजाम, ये कुदरत का निजाम।
और भाई आप जो है ना, आप जो भी कर लो, हम आ रहे हैं फाइनल में और इंडिया नहीं आ रहा फाइनल में। भाई हाँ, नहीं आ रहा, लेकिन इंडिया नहीं आ रहा, इंडिया और साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान। लेकिन 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 यार एक दफा हम क्लैपिंग इंडियन क्राउड की करेंगे, जो बहुत सपोर्ट किया है यार, पाकिस्तान टीम का सपोर्ट किया है। जो बात करते हैं वो यहाँ रहते हैं। अच्छा एक और आप सबसे सवाल करना चाहता हूँ, इंडिया सबसे टफ चल रहा है तो क्या लगता है किससे हारेगा? मैं इंडिया हार रहा है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, अभी सेमी में हार सकता है। साउथ अफ्रीका से भी मैच है, वो भी आ रहा है सेमीफाइनल में, ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहा है। और अफ्रीका से है ना मैच यार, देखो देखो बड़ा मैच है, बड़ा मैच है कल। सुनो अब हम ये चाहेंगे कि इंडिया नहीं हारे, इंडिया तरीके सेमीफाइनल में, इंडिया का सेमीफाइनल हमसे पढ़ना चाहिए, फिर मजा आएगा, ताकि इनको सेमीफाइनल में हम बाहर करें। क्यों ऑस्ट्रेलिया बाहर करेंगे? हम करेंगे भाई। चलो भाई अच्छी तो नहीं लगेगी, आग लगेगी, लेकिन फिर भी इसको लाइक करना, चैनल को फॉलो जरूर करना और सब्सक्राइब को इग्नोर करना, और हमारा हमारा जो YouTube चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर देना, एंजॉय करो, सीरियसली लो, एंजॉय करो भाई। हम तो फुल एंजॉय कर रहे हैं। पहले बोल रहा हूँ टीवी मत तोड़ना घर के, मैं पहले बोल रहा हूँ। अभी थोड़े तोड़ेंगे, तो पाकिस्तान की जीत में तो अभी रखे हुए सेमीफाइनल के लिए, लेकिन काफी इंडियंस चाह रहे हैं कि भाई हम आगे आए। चलो चलो मिलते हैं इंशाल्लाह, ज्यादा चाह रहे हैं बाहर। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप रखे अपना ख्याल। अल्लाह।